फील्डिंग भी नहीं करवाई, कीपिंग नहीं करवाई, तो फील्डिंग भी पूरे ओवर्स नहीं करवाए। आप उस बच्चे के साथ ज्यादती कर रहे हैं, उसके साथ पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहे हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ ज्यादती कर रहे हैं, ये क्रिकेट के जो फैंस हैं इनके साथ ज्यादती कर रहे हैं आप, अपनी अना के लिए ना, अपना अपना नाम बढ़ाने के लिए ये काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये हाल हमें देखना पड़ा कि सुपर ओवर में भी यूएसए से नहीं हम जीत सके। और आप वसीम भाई ये देखें, हमारे ओपनर कौन है T20 के? नहीं, फखर और बाबर, रिजवान और बाबर जी सुपर ओवर में आई नहीं। ये दिस स्पीक्स वॉल्यूम। फखर ने क्यों नहीं फेस किया? फखर लेफ्ट हैंडर है, उसको ज्यादा अच्छी हिट लगती है। दूसरे ये बोल सिंपल वर्ड्स, अमेरिका जीत का मुस्तहिक था, पाकिस्तान जीत नहीं था। और काशिफ भाई साहब, ये जो यानी ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें गेम के बारे में बात करनी है, क्रिकेट। तो दोस्तों, यूएसए से पाकिस्तान मैच हार चुका है और ये क्रिकेट की दुनिया में बहुत बड़ी न्यूज़ है फिलहाल, क्योंकि यूएसए अभी अभी हाल में एक टीम बनी है, हालांकि इसमें बहुत एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं, दुनिया भर से प्लेयर लाए गए हैं, स्पेशली इंडिया से काफ़ी प्लेयर गए हैं, तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। और यूएसए ने हाल ही में बांग्लादेश को जब सीरीज T20 हराई थी, तो मुझे लग रहा था कि ये टीम वर्ल्ड कप में किसी बड़ी टीम पे हमला करेगी, और पहला शिकार उन्होंने पाकिस्तान को बना लिया है। पाकिस्तान के जो जनता है, क्रिकेटर हैं, एक्स क्रिकेटर, उनको विश्वास नहीं हो रहा है क्या हो रहा है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूं वीडियो के लास्ट में। जय हिंद। ध्यान नहीं है, किसी को नहीं खिलाना, किसी का कैरियर खराब करना, उसको ये एलिगेशन लगाना उनके मुतालिक, गेम बनानी मीडिया पे, ये वो ऐसे करता वो ऐसे करता है, और फिर क्रिटिसिज्म हो तो फिर बिल्कुल एक मुनज्जम एक काम शुरू हो जाए कि गालियां निकालो इसको। वसीम भाई, बात ये है मेरे साथ, मैं माफी चाहता हूँ, हम लोग ने थोड़ा बहुत खेला है पाकिस्तान से, लेकिन अलहमदुलिल्लाह अपने बाजुओं पे खेला है, दूसरों के बाजुओं पे नहीं खेला। हम कोई मशवरा देते हैं तो इस मुल्क के बेहतरी के लिए देते हैं। आज आप माने, आप जुमला उधर NCA में कौन लोग बैठे हुए जो वलायत से आए हुए, देख लें क्या हाल हुआ। काशिफ भाई, आप आ रही मेरी आवाज? मैं मैं ये कहने का मतलब है, जब हमारी सिलेक्शन हो रही थी ना न्यूजीलैंड टूर की, जब ये लड़के मना, ये जी CPL में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, मैंने कहा यार CPL अभी वर्ल्ड कप बड़ा दूर है, अभी आप न्यूजीलैंड का टूर देखिए, इसमें अल्लाह करे परफॉर्म कर जाए फिर आप लेके जाए। नहीं जी, ये तो जाएंगे वर्ल्ड कप तक। मैंने कहा यार ये पाकिस्तान की टीम आप कैसे ऐसे सोच सकते हैं? मैं सिलेक्शन कमेटी का पार्ट था, मैं क्या बोलूं। अब ये हाल देख लिया आपने, उस बेचारे से फील्डिंग भी नहीं करवाई, कीपिंग नहीं करवाई, तो फील्डिंग भी पूरे ओवर्स नहीं करवाए। आप उस बच्चे के साथ ज्यादती कर रहे हैं, उसके साथ पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहे हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ ज्यादती कर रहे हैं, ये क्रिकेट के जो फैंस हैं इनके साथ ज्यादती कर रहे हैं आप, अपनी अना के लिए ना, अपना अपना नाम बढ़ाने के लिए ये काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये हाल हमें देखना पड़ा कि सुपर ओवर में भी यूएसए से नहीं हम जीत सके। आप वसीम भाई ये देखें, हमारे ओपनर कौन है T20 के? नहीं, फखर और बाबर, रिजवान और बाबर जी सुपर ओवर में आई नहीं। ये दिस स्पीक्स वॉल्यूम। फखर ने क्यों नहीं फेस किया? फखर लेफ्ट हैंडर है, उसको ज्यादा अच्छी हिट लगती है। दूसरे ये बोल सिंपल वर्ड्स, अमेरिका जीत का मुस्तहिक था, पाकिस्तान जीत नहीं था। और काशिफ भाई साहब, ये जो यानी ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें गेम के बारे में बात करनी है, क्रिकेट हमारी कौम को बहुत डिफरेंट लेवल्स पे हिट करती है ना। अगर मैं ये कहूँ कि एज अ नेशन एक चीज़ का अगर मैं नाम लेना हो जिसपे पूरी कौम साथ हंसती है रोती है, सियासत वासत हर उससे बालातर होके, तो वो क्रिकेट है। तो उसमें एक गलत डिसीजन का मतलब है करोड़ों लोगों के दिल टूटना, और उसमें अगेन मैच है तो एक टीम जीतेगी एक हारेगी, तो वो तो समझ में आती है बात। और हमारी कौम का इतना बड़ा दिल है कि वो कहते हैं यार अगर अच्छा खेल के हारे हो तो कोई बात नहीं, यार आप अमेरिका से हार गए हैं। इसकी क्या जस्टिफिकेशन हो सकती है अब्बासी साहब? देखिए, जस्टिफिकेशन तो एक ही है हर खराबी की पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान में बाकी कौन सा काम ठीक हो रहा है। हाँ। जिस मुल्क में हर चीज गलत है उसमें आप कैसे तवक्को करते हैं कि क्रिकेट आप ठीक कर लें? जिस तरह बाकी का मुल्क चल रहा है, बाकी का निजाम चल रहा है, क्रिकेट का निजाम भी वैसे ही चल रहा है। अभी अभी भाई लोग बात कर रहे थे किस तरह दोस्ती के बुनियाद पे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं इस टीम में, कि कहां होता है दुनिया में कि मेरा दोस्त है आ जाए तो मैं पाकिस्तान खिला देता हूं। आप सिर्फ डिसिप्लिन चेक करें। आखिरी ओवर की आखिरी बॉल जब आई ना, मैंने कहा अगर ये बॉल उसने पिच कर दिया मैच से, अगर ये बॉल विकेट पे गिरा दी, फुल टॉस दो किए उसने, एक छक्का एक चौका आखिरी ओवर का मैच करा दिया, एक चार खा के आपने 19 रन कराए हैं सुपर ओवर, एक चार खा के, यानी आपने हिटिंग से नहीं दिए, जिसके पास बॉल जा रही है वो थ्रो कर रहा है, ओवर थ्रोज वाइड वाइड के ऊपर भाग भाग के रन भी दे रहे, कंप्लीट लैक ऑफ डिसिप्लिन लाइक एनी अदर फील्ड इन पाकिस्तान।
जस्ट नो डिसिप्लिन. क्या खेल बुनियाद ठीक करनी ना आपने, क्या आपने गेंद कहाँ करनी है, आपने बॉल आमिर ने हालांकि बड़ा अच्छा ओवर लेकिन नाश्तों को किया, लेकिन सुपर ओवर में मुझे तो समझ नहीं आ रहा हम ये मैच हारे कैसे. जब आखिरी ओवर आया मेरा ख्याल था मैच जीत गया. पहली दो बॉलों के बाद तो हमें वो मैच नहीं हारना चाहिए था आखिरी, लेकिन हमने उनको मैच खुद बना के दिए. अभी आप ये बात कर रहे थे कि ओपनर्स बैटिंग करने नहीं आए, आपकी पांच बैटर्स हैं, T20 की गेम है और आपने एक ऑलराउंडर को तीसरे नंबर पर बैटिंग करने भेजा, एक ऑलराउंडर को भेजा आपने बैटिंग करने, यानी आप किसी मेन स्ट्रीम मेन के प्लेयर्स को ट्रस्ट नहीं करते कि वो आपको एक ओवर में दो बड़ी बाउंड्रीज मार के देगा. हालांकि अगर आपने एज अ फिनिशर खिलाई आजम खान, अब उसे नहीं मैच में बैटिंग हुई, ये छक्के मारने के लिए रखा है ना, दिस वॉज द टाइम सेंटिमेंट. मैच तो वैसे भी हार जाना था, आपने 19 रन जब खा लिया, तीन बड़ी बाउंड्रीज चाहिए आपको इस ओवर में मैच करने, जिस जीरो डिसिप्लिन आपने जो प्रेशर क्रिएट करते हैं वाइड्स करके गलत जगह बॉल करके. शादाब जब आखिरी ओवर करने आए हैं, ये जोन्स स्लॉग स्वीप मारता है, पिछले मैच में सारे रन जिसने स्लॉग स्वीप मार के. बट अबाउट आजम काशमी एवरीवन थॉट कि अब उसका वैसे ही इतना मोराल गिरा हुआ है, इतना बैठा हुआ है कि अच्छा मैं आता हूं बाबर आजम बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या क्या है उनके पास कहने को, दिखाएं तो. टू बी ऑनेस्ट वी आर नॉट अप टू द मार्क फॉर 6 ओवर्स एज यूजुअल, वी आर नॉट टेकिंग विकेट्स इन फॉर 6 ओवर्स, सो या लेटर ऑन इन द मिडल योर स्पिनर इज नॉट टेकिंग विकेट्स, सो दिस कॉज अस एंड इन द एंड यस वी विल बी कम बैक बट वी आर नॉट फिनिश्ड वेल. आई थिंक tournament is on, so we are trying to our best in next matches. I mean, what kind of a shock is this, losing to US, and it obviously means that it'll make your task doubly hard now. Very hard. I think all credit to USA team. They plays all three departments, and batting, bowling, and fielding is better than us. That's why he's won the match. Yeah. What about your batting? I mean, were the conditions a little tough up front when you lost the toss? You went into bat. Was there a little bit of moisture on the pitch? Yes, a little bit moisture on the pitch, and two pace. Sometime ball coming slow, sometime ball coming fast. But it's not excuse. As a professional, you need to assess the condition. But I think that first 6 hour I not capitalized properly. All right, best of luck for the next one then, Babar. जना वैली ये कह रहे थे बाबर आजम कि भाई अमेरिका की टीम ने अच्छा खेला है हमसे, इसलिए वो जीत गए हैं, इसलिए वो जीत के मुस्तहिक भी थे. रमीज राजा ने राइटली पॉइंट आउट किया है कि इसका मतलब एक स्टेट ऑफ शॉक तो है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि इस टूर्नामेंट में आगे का सफ़र मुश्किल हो गया पाकिस्तान की टीम के लिए. क्या यहाँ से आगे अब सुपर एट के लिए? अभी वो कप्तान साहब कह रहे हैं कि अभी भी हमारा चांस है. मुझे तो लगता है अब चांस नहीं है. जब आप यूएसए से नहीं जीत रहे तो आप कहाँ से जीतेंगे इंडिया से? इंडिया बहुत ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेल रहा है आज. और 6 ओवर का बोल रहे हैं कि मॉइस्चर था, तो पहला ओवर तो स्पिनर ने करा है. मैं काशिफ भाई से कंप्लीट कर लूँ, मेरे कामरान भाई आपके जी, काशिफ भाई आप कंप्लीट करें, बाबर की भी गुफ्तगू सुनी आपने. सुनिए देखिए, लेकिन इस जीत इस हार की आप क्या जस्टिफिकेशन कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम क्यों हारे हैं? क्योंकि आप हर जो जो जगह है मैच की, जो हर जगह पर आप मैच हारे. आप देखें उन्होंने स्टार्ट कैसा, आउटस्टैंडिंग कैच लेकर उसने स्टार्ट किया. Yes. आपका फर्स्ट टीम का फील्डर हिला नहीं. पावर प्ले में उसने कैसा कैच किया, आप लोगों ने वाइड्स और उन्होंने किस तरह मैच को कंट्रोल किया है. हम पार्ट टाइम प्लेयर्स लग रहे थे, ऐसा लगता था हमारे प्लेयर्स है, दिन में 8 घंटे नौकरी करते हैं जाके और 2 घंटे क्रिकेट खेलते हैं. ये अमरीका की टीम ऐसा करती है एंड अमेरिका इज टॉप ऑफ द टेबल. हम मुझे तो समझ नहीं आई हम खेले कैसे हैं ये मैच हमें हारना चाहिए था, लेकिन आखिरी 2 ओवर्स में हम ये मैच बना चुके थे. हमें ये मैच वहां से जीतना चाहिए था. जिसके सभी बॉलिंग ऑल वी हैड टू डू वाज थोड़ा सा डिसिप्लिन. हमारे पास हम बस आई डोंट नो हम नेट्स में क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो मैच में क्या करते हैं. एक बॉलर आउट ऑफ फॉर्म है, कितने अरसे से बात हो रही है कि इब्रार को खेलना चाहिए ना. इब्रार इज अ मिस्ट्री स्पिनर. इस तरह की टीम के खिलाफ अगर आप इब्रार को खिलाएंगे, ये मुमकिन है कि वो उसको इन लोगों को उसकी शायद समझ नहीं आएगी. लेकिन आप सुने हुए हैं कि हमने अपनी मर्जी की टीम खिलानी है, हमने उसको नहीं खिलाना, हमने टीम चेंज नहीं करनी. आप बस जब जिद पे टीम बनाएंगे तो यही होगा. थैंक यू काशिफ, मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं. थैंक यू. फाइनल वर्ड क्विकली. देखिए बहुत ही ज्यादा दुख की बात है, बहुत ही शर्म की बात है. इट्स वेरी सैड. और आप ये डिजर्व करते हैं टू बी ऑनेस्ट. जिस तरह से आपने ज्यादतियां की हैं, जिस तरह से आपने पूरी टीम बर्बाद कर दी है. बाबर आजम को कप्तानी से पहले हटाया, फिर आपने शाहीन को कप्तान बनाया,
चार पांच मैच में आपने उसकी उसकी लाइफ का फैसला कर दिया, उसको हटा के दोबारा बाबर को बना दिया, कहाँ होता है ऐसा? काशी भाई ने इतनी खूबसूरत बात कही है कि जब तमाम मामला पाकिस्तान में ऐसे चल रहे तो क्रिकेट भी ऐसे चलेगा। देखें इस मायूसी के उसमें आज बहुत मायूसी हुई है, सियाद इन भी था, सब कुछ था, लेकिन ऑन पेपर पाकिस्तान के पास अभी भी चांस है। गो आउट पूरी ताकत से इंडिया के खिलाफ खेलें, इंडिया को हराएं, अगले दोनों मैच भी जीतें, ऑल इज नॉट लॉस्ट। अल्लाह करे कामरान भाई, अब बाकी के मैच प्राइड के लिए खेलें। आयरलैंड टीम भी अब शेर बन गई होगी, कनाडा भी शेर बन गई, उनको कॉन्फिडेंस आ गया होगा। अब पाकिस्तान यहाँ से कैसे उठता है, इंडिया से कैसे जीतता है? अगर ये मेरे ख्याल से ये तो खैर दिन भूल नहीं सकते, अगर कोई अच्छा टाइम लाना चाहते हैं, खुशियाँ लाना चाहते हैं, वो इंडिया वाला मैच है। बिल्कुल, वो अच्छा खेल लें, जीत जाएँ, अच्छी क्रिकेट खेल लें, तो शायद हमारी मुस्कुराहट वापस आ जाएंगे। बस ऐसा इस वक्त आज का आखिरी जुमला कहना है काम में। मैं मुझे नहीं लगता कि आप इस हालत में, ब्लैक डे कहा था आपने ना कि अगर आज हारे तो ब्लैक, आप इस हालत में इंडिया को नहीं हरा सकते। आपकी बॉलिंग और इंडिया बहुत ही शेर होकर आएगा ना आपके सामने। वो खेल ही अच्छा रहा, वो खेल ही अच्छा रहा, टीम बनी हुई है, आपके बॉलर्स का ये हाल है। चौथा ओवर हारिस राउफ करने आया, उसका सांस नहीं आ रहा था, फुल टॉस हो रही थी। आमिर बेचारा आया ओवर करने, आप उसके बॉल टू बॉल देखे फेस, क्या उसके अब नर्वस हुआ हुआ था फेस, वो लग ही नहीं रहा था कि हमारा स्किलफुल फास्ट बॉलर है। हम बातों की क्रिकेट खेल रहे हैं, माफी के साथ, बातों से क्रिकेट नहीं होती। गुफ्तार के गाजी हैं सारे। आप इंडिया की बात कर रहे हैं, अभी आप देखें आयरलैंड ने जिस तरह से हमें सीरीज में डोमिनेट किया था, और वो कितने ज्यादा इस वक्त ये फील कर रहे होंगे कि पाकिस्तान को हराना तो कोई बात ही नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही है चेयरमैन साहब से, इन लड़कों से ना ग्राउंड में काम करवाएं, मोबाइल पे ना जितवाएं, स्मार्टफोन पे ना जितवाएं, लोगों से ग्राउंड सब कुछ बता देती है, आपकी एज भी बता देती है, फिटनेस भी बता देती है, स्किल भी बता देती है, मेंटली भी बता देती है, ग्राउंड सारी चीज़ें बता, सारे सवाल के जवाब मिल जाते हैं। लेकिन वो सारा जो सारी चीज़ें जो स्ट्रांग होनी चाहिए वो सोशल मीडिया। मुझे वसीम भाई लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि ये लोग जॉय ट्रिप के लिए गए हैं, इन्जॉय करने गए हैं, क्योंकि वो जो मीट एंड ग्रीट जो मैंने आपको शुरू में बताया था वो कर रहे हैं। कल भी अभी मुझे वहाँ से, ऑब्वियसली इट्स नॉट रिलेटेड टू क्रिकेट, बट कल रात तक भी ये बाहर गए हुए थे। ठीक है वो सब जाते हैं, बट आपका फोकस गेम पे होना चाहिए। आप वर्ल्ड कप खेलने आए हुए हैं, आपकी यहाँ प्रैक्टिस नहीं हो पाई, आपके दो सेशन बारिश की वजह से डिस्टर्ब हो गए, वार्म अप मैच आपने क्या सोच के आप इंग्लैंड खेलने गए थे, कंप्लीटली डिफरेंट कंडीशन। मुझे बात बताएं, हम कौन सी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं? हमने 159 यूएसए के खिलाफ किया, इंग्लैंड के इंडिया लगा हुआ है। लास्ट सीरीज में इंग्लैंड को क्या 240 हम करके आ रहे थे, इतना ही कर रहे थे। जितनी एबिलिटी है टीम में उतना ही कर रहे हैं, चाहे कोई भी टीम आ जाए, चाहे नंबर वन आ जाए, चाहे वो 17वें नंबर की टीम आ जाए, चाहे 15वें नंबर की टीम आ जाए, हमारी मेंटेलिटी चेंज नहीं हो रही, हम लोग समझ नहीं पा रहे। हम लोग मजीद जो चेयरमैन भी आते हैं वो मजीद इनको सपोर्ट दे रहे हैं, जिससे और खराबी हो रही है। और मुझे नजर आ रहा है, आई कैन फील कि आप हाउ शेकिंग यू आर, या मुझे लग रहा है आपकी आंखें नमे में। देखिए मैंने बड़ी प्राइड के साथ, मैं बड़ा लकी हूँ कि मैं जिन प्लेयरों के साथ खेला हूँ उनका पैशन क्या होता था, किस जज्बे के साथ खेलते थे, किसी टीम को करीब नहीं लगने देते थे, लड़ते थे जो भी है। लेकिन आज ये नौबत आ गई, मैं भी 2007 का वर्ल्ड कप हमारे आयरलैंड से वो अपसेट हुआ, उसके बाद कोई हुआ जब तक हम लोग रहे हैं, उससे पहले कभी हुआ? मुझे एक बात बताएं, ये टीम पिछले 6-7 साल से हर तीसरे महीने आपको खुशखबरी दे रही है। आप समझ ही नहीं पा रहे कि हमारा सिस्टम जा किधर है। डोमेस्टिक में आपकी है सियासत, वहाँ पे चल रही है अपनी पसंद के लड़के, ये चीज़ें वो चीज़ें, आपने 6 टीमें बनाई, आपने डिपार्टमेंट क्रिकेट रीजनल क्रिकेट ख़त्म करके पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। इंडिया क्यों नंबर वन है? 36 टीमें थी, 43 टीमें होगी उनकी, उन्होंने सिस्टम टीमें कम नहीं की, उन्होंने मजीद सपोर्ट किया, टीमें बढ़ाई हैं कि क्वालिटी हम लोगों के पास आ जाए, क्वांटिटी जितनी मर्जी आ जाए उसमें से क्वालिटी प्लेयर्स तो आएंगे ना, खेलेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ पे साल में 8 मैच आप करवाते हैं, वो भी सारे मैच नहीं सारी टीमें खेलते, 4-day क्रिकेट आप किसी को खिलाते नहीं, डोमेस्टिक सारी T20 खिलाते हैं, फिटनेस का हाल देख लिया आपने क्या किया। बात में सच्ची बात है ना, अब हम इंडिया के खिलाफ मैच होगा, अब हम बात करेंगे वहाँ के तजियाकारों से, अभी हम क्या बात करेंगे, क्या हम इंडिया को कहेंगे ओ जी हम तुम्हें अमेरिका से हार के आ रहे हैं? वसीम भाई देखें, हम सबको ना अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। हमारा माहौल ये नहीं है कि चलो कोई बात नहीं मैच हार गए, हम पेन लेते हैं, हमारी आवाम जो है ना पेन लेती है, वो
अब तो महंगाई इतनी है, आपको टीवी नहीं तो टूटते, पहले टीवी टूटते हुए हमने देखा है। आप अंदाजा लगा लें, कितनी आसानी से बोल दिया हम कम बैक कर लेंगे, मतलब हमारा स्टिल इन द गेम। मैं तो ये सुन सुन के एक एंटरटेनमेंट है जवान के पास ना, जिसमें सब मिल रहा है। मैं ये सुन के थक गया हूं, अमेरिका को क्रेडिट देना चाहिए, आयरलैंड को क्रेडिट देना चाहिए, न्यूजीलैंड की हमें टीम जाना चाहिए था, 18 रन कम बन गए भाई हमने, तो यार 18 रन कम बन रहे हैं हमेशा। अभी बाबर ने बात बोली है, पहले मैच खत्म हो जाता है आप कहते हैं 18 कम बने। बाबर ने बात बोली, हमने 6 ओवर अच्छे नहीं खेले, किसने मना करा था मुझे बताया ना, किसने मना करा था? क्या दिमाग नहीं था कि जो बोंगी मार के आउट हुए और तीन खिलाड़ी निकल और बोलते हैं अपना के पीएसएल के परफॉर्मर हैं उस्मान साहब, मैं पूछने वाला नहीं है सर। आपका सिस्टम सारा बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, आपका सिस्टम सारा इन पॉलिसी की वजह से खराब हो गया। आप सोच नहीं सकते कि हमारा हाल क्या हुआ हुआ है। हम करंट नहीं सोच रहे, हम आगे का सोच रहे हैं, जो उससे भी बुरा हाल मुझे नज़र आ रहा है जिस प्लानिंग के साथ ये क्रिकेट चलाना चाह रहे हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हम जो बात कर रहे हैं ना, अभी कामरान भी जानते हैं, नो नेम्स हियर, बट एक इंडियन यूट्यूबर ने जब वर्ल्ड कप के स्केड्यूल अनाउंस हुए और सारी टीमों का पता चला ग्रुप्स का, तो उन्होंने एक वीडियो बना के ये कहा है कि इस ग्रुप में कनाडा है, यूएसए, आयरलैंड है, तो कम से कम पाकिस्तान एक से तो हारेगा। तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट है कि लोग इतनी आसानी से प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि छोटी टीमों के आगे तो ये आराम से ही हार जाएंगे, बड़ी टीम तो दूर की बात है। लेकिन सबने ये सोचा था कि आयरलैंड से 16 जून को बड़ा क्रूशियल मैच होगा, ये तो पहले ही मैच आप हार गए और इतने खौफ के साथ खेल रहे थे, बैटिंग कर रहे थे तो इतने खौफ के साथ कि पहले 5 ओवर में आप बाउंड्री नहीं मार रहे। बाबर आजम जैसे बैट्समैन ने 25 गेंदें ले ली, 25वीं गेंद पे जाके बाउंड्री मारी है, तो ये आपका माइंडसेट शो करता है कि आप पहले से खौफजदा हो। आप ग्राउंड में दाखिल होते ही आपकी टांगें कांप रही हैं, आप मुश्किल में पड़ गए हो, आपने इतनी बुरी बैटिंग की है, आप टॉस हार गए, आधी हिम्मत तो आपकी वही खत्म हो गई और कप्तान टॉस में कह रहा है हम भी अगर होते तो हम पहले बॉलिंग करते। यार कोई माइंडसेट होता है, कोई ब्रेवनेस होती है, आप एग्रेशन ही नहीं दिखा रहे। और बाबर आजम को तो बहुत बहुत मासूमाना सवाल है, जो 2009 में T20 जीते थे वो प्लेयर्स कहाँ हैं? आप ला रहे हैं गैरी क्रिस्टन को कोच, आप ला रहे हैं जैसन गिलेस्पी को, दुनिया के नंबर वन कोच, ये कोचिंग है? अब मुझे अब यहाँ पे मेरे ख्याल से गैरी क्रिस्टन को सारी दुनिया कहना शुरू हो गई होगी। 2011 तो इसने थोड़ी जितवाया, वो तो टीम ही इतनी बड़ी थी, मजा तो फिर था ना, ये इस टीम को भी अच्छा अच्छा कोच है ना, तो इस टीम को फिर नंबर वन लेके जाता। हम अपना मलबा ऐसे दूसरे पे नहीं डाल सकते, वो अभी अभी आया है। मैं इस बात में नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं, मिकी आर्थर क्या नया आया था? वो तो ठीक है ना, वो तो जिम्मेदार थी, हटा दिया। अभी तो नए, अगर आप ये बोलें कि वो अभी आए तो चेयरमैन भी ले आए फिर फॉरन, चेयरमैन पीसीबी लाए ना। देखें बासित भाई, फॉरेन और लोकल कोच का मसला चलता है, लोकल कोच कम्स विद अ लॉट ऑफ बैगेज, उसकी भी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। मैं खुद कहता हूं, कहते हैं दोस्ती यारी वहां पे भी आ गई। तो भाई हम गोलों को नहीं बोलते, हम अपने प्लेयर को जो जिन्होंने सर्व कराई, चाहे वो यूनुस खान हो, चाहे वो शाहिद आफरीदी हो, चाहे कामरान अकमल हो। मैं गैरी क्रिस्टन को मैं नहीं कह रहा कि वो, मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ लोगों का माइंडसेट हमारा जो है। मैं कहने का मतलब है कि जो भी नया बंदा है उसको 6-8 महीने जरूर देने चाहिए। Exactly. मैं गैरी क्रिस्टन को ब्लेम नहीं दे रहा, मैं दे रहा हूँ अपनी क्रिकेट को। जो चेहरे चेंज नहीं हो रहे, प्लेयर्स वही हैं, चेहरे टॉप लेवल पे चेंज हो रहे हैं, लेकिन पॉलिसी चेंज नहीं हो रही। कितने सालों से हमारी टीम मोर और लेस इन्हीं खिलाड़ियों के गिर्द घूम रही है ना, तो उसके अभी भी अगर रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करना तो फिर क्या करें? क्यों है ये प्लेयर्स चलें? आज आपने बात बोली ना, हाँ, जब 6 टीमें हुई थी ना तो यही प्लेयर थे, इसमें से उस्मान खान दुबई से आया, हाँ, सही, लेकिन वो भी खेल रहा था पहले ग्रेड टू की, वही प्लेयर थे। लेकिन तो लास्ट 3 इयर्स नहीं है सिस्टम का। और उस्मान की अगर बात करें तो आपने पीएसएल की 2 परफॉर्मेंसेस पर ही खिलाड़ी उठाने, तो डोमेस्टिक वोमेस्टिक सब फर्क करें, फिर क्या ऐसे ही करना है? आपके 3 नेशनल T20 का टॉप स्कोरर साहबजादा फरहान है, उसको आपने बिल्कुल दूध में मक्खी की तरह न्यूजीलैंड गया था दिया, हाँ। उसको कभी 5वें नंबर पे, कभी 7वें नंबर पे बैठा, तैयब ताहिर को बुलाया निकाल दिया, आपने मोहम्मद अली को नहीं लिया, आपने उसामा मीर जो आपका T20 PSL लीग का, अगर आप PSL की बुनियाद पे सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसामा मीर 100% 15 खिलाड़ियों में शामिल होता था। शायद भाई आमिर जमाल, बात सुने सर, आप बात नहीं, 2022 में भी आप 5 ओपनर्स के साथ जा रहे हैं, 5 ओपनर्स के साथ, ठीक है, ये मेरे सामने स्क्वाड है, ये वर्ल्ड कप जीतने गया है,
मजाक लग रहा है मुझे ये नहीं मुझे आपका नो मिडिल ऑर्डर पांच ओपनर सारे चल गए तो चल गए और कंडीशन देखे क्या है कंपटीशन पर रखने नहीं दिया आने नहीं दे रहे क्योंकि इनके जो सारे ओपनर्स हैं इनके करीब हैं एक ही ग्रुप के हैं अपने ग्रुप के अलावा किसी का सोचते नहीं है आपकी पीएसएल के छह बंदे ये इनमें से ही कप्तान है उन बंदों को नहीं आने देंगे मुझे एक बात बताएं नहीं आने देंगे जो थ्रेट होगा और जो तनकीद करे वो गद्दार है वो मुंबई वतन नहीं है नहीं। उसको गालियां निकालो फिर जो हमने तो हम तो नेपाल के लिए खेले ना हमने ये 14-15 साल पाकिस्तान के लिए बुरी लगती है वो गद्दार है हमने 14-15 साल कहीं और खेलिए जाके क्रिकेट आप लोगों के दिल में दर्द है बाबर के लिए चले आज मैं आपको एक बात बताऊं बाबर के लिए जो बात बोली थी ना लोग मजाक समझते उसकी बेहतरी के लिए बोला था कि ऊपर से मारो उनके बैटर ने नहीं मारा आज सीधा किसकी बेहतरी है आप? जो उनके सोशल मीडिया वाले आज पता क्या बात कर रहे थे वो बाबर ने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया रनों में विराट कोहली ने इंडिया को मैच जितवाए सर विराट कोहली के 4000 रन हैं मैं बाबर की बुराई नहीं कर रहा बाबर नंबर वन ने सरपास किया उसको आज ठीक है बैटिंग में कोई मैच नहीं है पाकिस्तान में उसका विराट कोहली ने अगर ये 4000 रन है ना हमारी तरह सारे मैच खेलता है ना अभी तक 10000 रन कर लेता और बात 4000 रन की नहीं है ना उसका एक एक रन टीम की जीत के लिए होता है उसकी विजन सिर्फ ये है कि मैच जिताना है तो सर, वो जो ऑस्ट्रेलिया का मैच है शाहिद साहब तो वहाँ ग्राउंड में भी मौजूद थे कोई कह सकता था कि वो हार जाएंगे वो मैच जिस तरह से विराट कोहली और हार्दिक पांड्या कैलकुलेट करके चल रहे थे कोई सोच भी नहीं सकता था कि वहां से वो आखिरी तीन ओवर में इतने रन बना के जीत जाएंगे स्पिनर्स को नहीं खिला रहे आपने ऑलराउंडर नहीं रखा आमिर जमाल का इतना बोला है कि आप आज प्रॉब्लम नजर आई है ना ऑलराउंडर नहीं खिलाया आपने स्पेशली स्पिनर नहीं खिलाया आपने एक स्पिनर खिलाया जो उसको तीन ओवर करवाए हैं तो आप कैसे जीत सकते हैं किसी टीम से मुझे एक बात बताएं वो टीम अगला बुरा खेलेगी ना इनके खिलाफ हमारे खिलाफ तो फिर हम जीतेंगे अच्छा खेलेंगे तो हम नहीं जीतेंगे वो पूरा खेलेंगे तो हम जीतेंगे इस साल फास्ट बॉलिंग में सबसे ज्यादा आउट हैं मोहम्मद अली के नहीं 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 शाहिनशाह आफरीदी के पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की तरफ दूसरे नंबर पे पता आपको कौन है अब्बास आफरीदी कहाँ है और वो बैटिंग भी कर लेता है वो फील्डर भी अच्छा है लेकिन क्योंकि हैं। एक महीने से पिछले हम ये बात कर रहे हैं शाहिद साहब भी शो में होते हैं कामरान और बासित भाई को भी मैं लेता हूँ यूएसए के खिलाफ आपने स्पिनर से ही उनको टैकल करना था ना उनके पास ऐसी उन्होंने तो इस तरह की क्वालिटी स्पिन खेली भी नहीं है बात वही है कि उनका एक्सपीरियंस क्या है बताएं, अमेरिका ने दो मैच खेले दोनों जीत लिए कनाडा से जीता अब अमेरिका ने इंडिया के खिलाफ खेला चलो हार गए इंडिया से चलो बाकी कौन रह गया आयरलैंड बस जी तो अमेरिका अगर आयरलैंड से भी जीत गया तो अमेरिका के तीन फुतुआत हो जाएंगे और अमेरिका एवरेज भी अच्छा है एवरेज भी अच्छा है ना और रन रेट भी अच्छा है रन भी अच्छा और पाकिस्तान अमेरिका के आई डोंट इवन वांट टू इमेजिन दैट सिनेरियो हम लोग अब जाते हैं ना वहाँ पे वो फास्ट बॉलर्स क्यों अच्छा खेलते हैं क्यों अच्छा खेलते हैं ऑस्ट्रो ट्रफ पे वो खेलते हैं वहाँ पे बाउंस और पेस से यूज टू हैं वो सिर्फ मिस्ट्री स्पिनर या अच्छा स्पिनर हो उससे मार खाते हैं लेकिन आज हमने दोनों चीज़ें अप्लाई नहीं की मुझे ये समझ नहीं आती कि गैरी बहुत बड़ा नाम है लेकिन थोड़ी पावर दिखानी पड़ेगी अब गैरी को दो मैचेस हुए हैं अर्ली फॉर हिम मैंने 8 महीने देने अभी नहीं करेगा अभी नहीं करेगा तो फिर अभी नहीं करेगा भी नहीं आपने अगर करना था तो आप T20 वर्ल्ड कप के बाद फॉरेन कोच लाते अभी आप यहीं से काम चलाते रहते इसलिए कि उसके साथ भी ज्यादती है ना कि आप 15-20 पहले उसको लेके आए और आप अब आप उसको अब वो कह देगा कि जी मेरा तो कसूर ही नहीं अभी हो सकता ना कि पाकिस्तान मेरे मुंह में खा लेंगे अगर इंडिया से हम नहीं जीते तो पाकिस्तान का और मैच किससे फिर कनाडा और आयरलैंड तो इसका मतलब हम कितने मैच जीते दो पाकिस्तान और अमेरिका तीन जीत सकते हैं मतलब इंडिया का गेम तो मस्ट ओके इंडिया और अमेरिका पहुंचेंगे सुपर एंड नहीं पहुंचेंगे ऐसा होगा क्या इंडिया का मस्ट विन गेम हो गया अगर आप वो नहीं जीते तो आप बाहर हैं आप आउट हैं इसलिए कि अमेरिका ऑलरेडी दो मैच जीत दोस्तों ये मैच पाकिस्तान ने स्टार्टिंग से ही बहुत घटिया खेला मैंने देखा था स्टार्टिंग में पाकिस्तान के जो बाबर आजम थे काफ़ी स्लो खेल रहे थे इतनी पिच डिफ़िकल्ट लग नहीं रही थी इवन पाकिस्तान के जो बॉलर हैं शाहिन अफरीदी अगर वो इतना अच्छा फिनिश नहीं करते तो डेफिनेटली ये स्कोर भी इनको अचीव नहीं होने वाला था जिस हिसाब से उन्होंने लास्ट में कुछ बड़े हिट्स मारे जिसकी वजह से 159 रनों का स्कोर उन्होंने खड़ा किया और उसके बाद मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं लास्ट में पाकिस्तान ये मैच निकाल लेगा ऐसा कुछ होगा और ऐसा कुछ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बट सीरियसली वैसा ही कुछ मैच पूरा हो रहा था बट आमिर मोहम्मद आमिर ने लास्ट का जो 19वां ओवर था बहुत ही ज़बरदस्त डाला 5 रन दिए और उसके बाद रॉफ हारिस रॉफ आते और वो पूरा मतलब
करे धरे पर पानी फेर देते हैं। लास्ट की तीन बॉल पे चाहिए रहते हैं 12 रन। हारिस रॉफ आते हैं, छक्का खाते हैं और फिर एक सिंगल जाता है, फिर एक चौका खा जाते हैं, मैच पहुंचता है सुपर ओवर पर। सुपर ओवर में जैसे ही मैच पहुंचता है, सीरियसली आप बिलीव करें, केवल यूएसए ने एक चौका मारा है सुपर ओवर में, उसके बाद उन्होंने 19 रन बनाए। तो सोचिए क्या हुआ होगा, सोचिए अब क्या हुआ होगा, ना कुछ उसके अलावा एक भी बाउंड्री मारी है, केवल और केवल ये रन उन्होंने बनाए हैं वाइड पर। मोहम्मद आमिर मेरे हिसाब से बहुत बड़े प्लेयर हैं और बड़े मैच खेल चुके हैं। उन्होंने इतना घटिया लास्ट ओवर किया जो सुपर ओवर में किया, कि वो ओवर डेफिनेटली जो इंडियंस हैं उनको काफ़ी खुशी देगा। ऑब्वियसली हम तो खुश हैं यार, पाकिस्तान हारेगा तो हमें काफ़ी फनी वीडियो देखने मिलते हैं पाकिस्तान की तरफ से, तो उस वजह से हमें काफ़ी खुशी होती है। हालांकि ये क्रिकेट के लिए, अब पाकिस्तान के साथ एज अ क्रिकेट फैन, पाकिस्तान अगर इंडिया से मैच हारता है तो इस वर्ल्ड कप से आउट होना उसका कन्फर्म है, तो वो मैं नहीं चाहूँगा। कि मैं चाहता हूँ पाकिस्तान आगे जाए और मैच हारे, तो थोड़ा आगे जाए, सेमीफाइनल तक जाए। हालांकि पाकिस्तान को ट्रोल नहीं किया जा सकता, ये भी मैं बताना चाहता हूँ। लास्ट टाइम एक वर्ल्ड कप था T20 जिसमें पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारने के बाद फाइनल खेला था, उस टाइम पे लोग इतना ट्रोल कर रहे थे पाकिस्तान को, लेकिन उनका लक ऐसा चला कि नीदरलैंड ने किसी तरीके से साउथ अफ्रीका को हरा दिया और पाकिस्तान को एक मौका मिल गया, और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया और पाकिस्तान पहुँच गया सीधा सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के खिलाफ, और न्यूजीलैंड को हरा के वो सीधा पहुंच गया फाइनल। हालांकि फाइनल वो हार गए थे, तो पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा लक भी था और ये बैड लक होता है रहते उनके साथ, तो अब देखते हैं होता क्या। हालांकि मैं पाकिस्तान के हार का पूरा पूरा ब्लेम दूंगा बाबर आजम की घटिया बैटिंग स्टार्ट, सीरियसली बहुत घटिया स्टार्ट, और उनने किस तरीके से इतना स्लो खेला और वो स्टार्ट उनको खा गया। और हारिस रॉफ यार कितना घटिया बॉलर है यार, ये पेस से कुछ नहीं होता है, इतना घटिया बॉलर है, मतलब इतने सारे रन डिफेंड करने को थे और इसने पता नहीं क्या इसको दिमाग में आया, कैसी घटिया बॉलिंग डाली। और इस मैच की सबसे बड़ी बात ये थी कि नीतीश कुमार ने लास्ट बॉल पे चौका मारकर यूएस को मैच बचाया। नीतीश कुमार आप समझ रहे हो, ये नाम अभी वैसे भी काफ़ी ट्रेंड में है, तो नीतीश कुमार ने मैच बचाया। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में?